Julai to kun tene dringatang is geography chapter 9 life in the desert e chapter book hena ngatas silen tene ngatang ta desert book hena jikteni nanga tezuk sacha jikino kai na khena mi se phustang book hena lifestyle book hena ma extreme onok बहुत मुश्किल होता है. तो इस चैप्टर में हम दो तरह के डेजर्ट मरुस्थल के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो पहला डेजर्ट जो है हॉट डेजर्ट, जिसमें कई पूरा वर्ल्ड ओवर देर आर मेनी हॉट डेजर्ट. सो इन योर टेक्स्ट बुक we will take the case study of Sahara Desert. So we will study Sahara Desert in this Sahara Desert as a hot desert and Ladakh as a cold desert. To pehle Sahara Desert jo hai hum agar world map utha ke usko locate karne ki koshish kare to ये इसका लोकेशन जो है अफ्रीका के नॉर्दर्न रीजन में है. नॉर्थ इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ अफ्रीका एंड इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है. इसका एरिया जो है 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. अगर इसके एरिया से हम इंडिया का जो हमारा क्षेत्रफल है उसको अगर हम कंपेयर करें तो इट्स ऑलमोस्ट 3 times बिगर देन इंडिया. एंड सहारा डेजर्ट इट हैज बॉर्डर विथ 11 नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज एंड दोस कंट्रीज आर मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनिशिया, इजिप्ट, सूडान, छाद, नाइजर, माली, मोरिटानिया एंड वेस्टर्न सहारा. सो दोस आर द 11 कंट्रीज विच शेयर्स बॉर्डर विद वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट. तो जब हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो है सैंड का एक बड़ा सा एरिया आता है. लेकिन डेजर्ट में जो है डेजर्ट एरियाज में प्लेटो भी हो सकता है और ग्रेवल कूड़े जो छोटे पथरीली प्लेन्स भी डेजर्ट में हो सकते हैं. अब अगर हमें हिस्टोरिकली पास्ट में देखा जाए तो साइंटिस्टों का ये मानना है कि वंस अपॉन ए टाइम दिस सहारा डेजर्ट वॉज अ लार्ज ग्रीन प्लेन एंड इट हैज मैनी बिग रिवर्स विच हैज क्रॉक्स एंड प्लेन्स वेयर लार्ज मैमल्स लाइक एलिफेंट, जिराफ्स, ज़ेब्रा एटसेट्रा दे यूज टू लिव हियर. तो साइंटिफिकली ये मानना है इन द पास सहारा डेजर्ट यूज टू बी अ लार्ज ग्रीन प्लेन विथ सो मैनी रिवर्स. ये हमें कहाँ से पता चलता है? सहारा डेजर्ट में कुछ केव्स है, वहाँ केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स है उन पेंटिंग्स में प्लेन्स बनाया हुआ है, रिवर्स बनाया हुआ है, क्रोकोडाइल बनाया हुआ है. तो उस हिसाब से ये कंक्लूड उस हिसाब से हम ये कहते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम सहारा वाज ए लार्ज ग्रीन प्लेन. फिर उसके बाद लीबिया में एक जगह है अल अजीजी. ये यहाँ पर जो है अर्थ सरफेस का जो है मैक्सिमम टेम्परेचर 1922 में रिकॉर्ड हुआ था. वो टेम्परेचर था 57.7 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद हम जब ये सहारा डेजर्ट के जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लाइमेट जो है स्कॉर्चिंग हॉट, बहुत गर्मी है यहाँ पे. स्काई जो है वो क्लाउडलेस होता है, क्लियर होता है.
और यहाँ पर जो हवा में, जो हवा में या सरफेस में कहीं थोड़ा बहुत जो नमी होता है वो बहुत जल्दी जो है इवापोरेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ डे टेम्परेचर जो है ज़्यादातर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। समर्स में बहुत गर्मी होता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग जो है बहुत गर्म हो जाता है, रेत भी गर्म हो जाता है, और जो वहाँ के जो नंगे जो पत्थर होते हैं वो भी बहुत गर्म हो जाता है। रात का जो टेम्परेचर होता है वो रात में फिर बहुत मौसम वेदर में बहुत बड़े चेंजेस आता है। टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से फिर ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। फिर उसके बाद सहारा डेजर्ट में फ्लोरा और फौना, मतलब वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन कैसा होता है और किस तरह के एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है वो अगर हम देखें तो वेजिटेशन में वहाँ पर कैक्टस होते हैं, पाम ट्रीज होते हैं और एकेशिया होता है, और एनिमल्स में वहाँ पर जो है मेनली जो है फौना, कैमल्स, हाइना, जेकल्स, फॉक्सिस, स्कॉर्पियंस और वेराइटीज़ ऑफ लिजर्ट्स एंड स्नैक्स वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ के लोग, पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट, यहाँ पर वेरियस ग्रुप्स के लोग रहते हैं, मेनली टू ग्रुप्स है, एक बेडुइंस, दूसरा टोरक्स कहते हैं। तो ये जो है नोमेडिक ट्राइब्स है, इनका लाइफ ऑलमोस्ट यहाँ लद्दाख में जो चंगपास का होता है वैसा ही होता है, लाइफ स्टॉक के सहारे वो लोग अपना गुजरन करता है। और यहाँ पर एक सेटल पॉपुलेशन भी होता है सहारा डेजर्ट में, वो कहाँ होता है, एक दो जगह पर होता है, ओएसिस में होता है और ये जो है नाइल रिवर वैली में होता है जो इजिप्ट में है। वहाँ पर भी फिर मेनली ओएसिस में लोग पाम डेट के कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन नाइल वैली है जब वहाँ पे पाम डेज के साथ साथ राइस, वीट, बाले, बीन्स और कई वेराइटीज़ के ये क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। रिसेंटली जो है कुछ कंट्रीज़ में सहारा डेजर्ट के, जैसे अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में कुछ ऑयल रिजर्व डिस्कवर हुए हैं, तो यहाँ उसके वजह से कहीं सहारन डेजर्ट में उसके वजह से और कुछ मिनरल्स जैसे फॉस्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम ये भी यहाँ पर होता है। तो इन मिनरल्स के वजह से रिसेंटली देयर कल्चरल लैंडस्केप, उनके जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ बड़े चेंजेस आने लग गए हैं, जैसे कि अब यहाँ पर अब सुपर हाईवेज बनने लग गया है, जो साल्ट का जो ट्रेड होता आ रहा है, पहले वो कैमल से होता था, अब वो ट्रकों से होने लग गया है। फिर यहाँ का जो दो तरह यहाँ के दो जो टोरिक्स लोग हैं वो अब टूरिस्ट के एज ए टूरिस्ट गाइड जो है कम करने लग गए हैं। तो विद दिस वी कंक्लूड हॉट डेजर्ट दैट इज सहारा डेजर्ट। अब हम कोल्ड डेजर्ट की ओर जाएंगे, जो है जिसके एग्जांपल में उन्होंने लद्दाख को लिया है। लद्दाख जो है एक हाई अल्टीट्यूड माउंटेन रिलीफ वाला एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है, जिसके नॉर्थ में करकुरम रेंजेस है, साउथ में हिमालयन और जंस्कर रेंजेस है। सो बीच में ये एरिया जो है ये लद्दाख है, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पर अल्टीट्यूड वेरी करता है, लद्दाख में जो करगिल एरिया है यहाँ पे अल्टीट्यूड 3000 है, और हाईएस्ट जो है करकुरम रेंजेस में है, जहाँ पर अल्टीट्यूड जो है 8000 मीटर अबव सी लेवल तक जाता है। यहाँ पर यहाँ के अगर हम क्लाइमेट देखें तो एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा ठंड है और ड्राई भी है।
और लद्दाख के हाइट पे होने से यहाँ पर जो है एयर जो है हवा जो है बहुत पतली थिन एयर होता है, जिसके वजह से जब ऊपर से जो सन रेज आता है तो वो बहुत उसका जो फीलिंग उसका जो इंटेंसिटी होता है वो हाई फील करते हैं हम लोग लद्दाख में। और समर में जो है लद्दाख के टेम्परेचर जो है उसको उसका अगर हम एवरेज ले तो 20-30 डिग्री सेल्सियस होता है वैलीज में, लेकिन हायर अल्टीट्यूड्स में पोस्टर लैंड्स और पासिस पे जो है समर में भी टेम्परेचर रिमेंस क्लोज टू ज़ीरो फ्रीजिंग पॉइंट्स। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके जो हमारे जो टेक्स्ट बुक में है उन्होंने ये बताया है कि लद्दाख में इवन स्पेसिफाई नहीं किया है जगह, उन्होंने ये लिखा है कि लद्दाख में समर टेम्परेचर जो है नाइट में -30 होता है। तो ये क्लियर उसमें कुछ उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि ये कहाँ के टेम्परेचर बता रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि वैलीज में जो है जहाँ पर हैबिटेंट एरिया होता है वहाँ का टेम्परेचर जो है 20-30 रहता है, लेकिन हायर रिजिस में ऊपरी इलाकों में ये टेम्परेचर जो है इससे कम होता है। विंटर में जो है टेम्परेचर रिमेंस इन नेगेटिव्स माइनस में होता है। कभी वैली जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर कुड बी अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस एट मैक्सिमम, और एट सम प्लेसेस फ्यू प्लेसेस इट कुड गो इवन बियॉन्ड 30 मे बी -35 सो -35। एंड अनदर इंटरेस्टिंग एक और ज़रूरी बात, लद्दाख जो है ये रेन शैडो एरिया में आता है हिमालयस के, जिसके वजह से यहाँ मिनिमम रेनफॉल होता है। अगर हम एवरेज एनुअल साल भर के अगर हम एक एवरेज रेनफॉल ले तो इट्स अराउंड 10 सेंटीमीटर एनुअली। फिर हवा बहुत तेज़ बहता है, जो ठंडी हवा बहता है यहाँ पर। और इसके बाद हम यहाँ के फ्लोरा और फौना डिस्कस करेंगे। फ्लोरा में यहाँ पर जो है एरिडिटी की सूखेपन की वजह से जो है वेजिटेशन जो है बहुत कम मिलता है। जो भी थोड़ा बहुत वेजिटेशन मिलता है वो स्पर्सली लोकेटेड होता है, यहाँ वहाँ होता है। उसमें ज़्यादातर जो है क्या होता है ग्रासेस होता है और कुछ श्रब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सीबक थ्रोन। फिर उसके बाद कहीं कहीं पे पॉपुलर और विलोज के जो है विलो ये दो स्पीशीज ऑफ ट्रीज के यहाँ ग्रुप्स भी मिलता है। फिर फ्रूट ट्रीज भी होते हैं कुछ, जैसे कि एप्रिकॉट इट्स वेरी फेमस, देन एप्पल, एट सम प्लेसेस इवन पेयर्स, वॉलनट, मेनली इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख इन लोअर लेटिट्यूड्स। फिर उसके बाद हम फौना के बात करें तो यहाँ पर सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि रॉबिन्स, रेड स्टार, टिबेटन स्नोकॉक, रेवेंस, होपोई, इस ये सारा बर्ड्स होते हैं। इसमें कुछ बर्ड्स जो है वो माइग्रेटरी भी होता है, दे केम हियर स्पेशली इन मार्शी लैंड फॉर ब्रीडिंग एंड हैचिंग एग्स, इन इसके लिए बहुत से बर्ड्स आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बर्ड अमंग द माइग्रेटरी बर्ड इज ब्लैक नेक क्रेन, जो कि हमारे स्टेट बर्ड भी है, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट बर्ड भी रहे हैं। देन एनिमल्स में वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप्स हायर अल्टीट्यूड्स में होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों के बात करें तो यहाँ पर मेनली दो रिलीजियस बिलीफ के लोग रहते हैं, मुस्लिम और बुद्धिस्ट। और पूरे लद्दाख में एवरीवेयर
यू विल फाइंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हर जगह पे मिल जाएंगे डोटी, जहाँ के लिए बहुत से टूरिस्ट आते हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। यहाँ पर समर जो है बहुत शॉर्ट होता है, और ड्यूरिंग दो समर मंथ्स पीपल इन लद्दाख दे डू सम एग्रीकल्चर वर्क लाइक कल्टीवेशन, लाइक कल्टीवेशन ऑफ बार्ले, पीस एंड सम वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल, ये भी यहाँ पर ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट क्रॉपिंग समर सीजन पीपल लोग जो है यहाँ पर उगाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ के लोग स्पेशली वुमेन जो है वो दे आर ऑल्सो एंगेज इन सम स्मॉल बिजनेसिस और शॉप्स, उनमें इंगेज होते हैं। देन अगर हम कनेक्टिविटी के बात करते हैं तो लेह और करगिल दोनों कश्मीर वैली से कनेक्टेड, वाई जुजिला नेशनल हाईवे नंबर 1A से कनेक्टेड है। साथ ही साथ लेह जो है मनाली से भी कनेक्टेड है, हिमाचल प्रदेश स्टेट से भी। सो हियर आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लद्दाख के जो मेन पासिस है उनमें से 4 पास माउंटेन पास है वो जो है ले और मनाली के बीच में आता है, जैसे तकलंगला, देन लचुंगला, बरालाचला और रोहतांग पास। ये देन यहाँ पर जो है मेन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इनमें ज़्यादातर लोग जो है दे आर इंगेज इन टूरिज़्म, जिसमें डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, और टूरिस्ट मेनली दे विजिटेड मॉनेस्ट्रीज और ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं हायर अल्टीट्यूड्स में, और आजकल जो है कुछ वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी आते हैं, माउंटेन बाइक किंग, और कुछ नए नए एवेन्यूज़ भी टूरिज़्म में विद टाइम ये डेवलप हुए हैं। इन सब के वजह से इवन लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन लद्दाख लेह लद्दाख कोल्ड डेजर्ट इट ये भी इसमें भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन पीपल हियर इन लद्दाख बहुत समय पहले से यहाँ के लोगों ने ये सीखा है कि नेचर के साथ एक बैलेंस्ड वे में कैसे रहना है, और ड्यू टू स्केयरसिटी ऑफ फ्यूल एंड वाटर पीपल हियर यूज दोज रिसोर्सेज विथ वेरी इज्जत के साथ और बड़े केयर के साथ लोग जो है इनके इस्तेमाल करते हैं। सो दिस आर द मेजर पॉइंट्स विच covers this chapter life in the desert. I hope nga rewara khija changma khere nang clear ha gos te yot do ha mangwa khija chi tiwaji la khije na yong na tene nga khere nang tene te ha gos chi fiala whatsapp ya call choste khije tene contact chona dik. Thank you.